हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं लक्ष्मण कुमार साहू, UIS एकेडमी कोरबा से। आज हमको बिलासपुर संभाग का मुंगेली जिला पढ़ना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बिलासपुर संभाग को बताया था कि बिलासपुर संभाग में कितने ज़िले हैं और कौन से ज़िलों की स्थिति क्या है, तो उस हिसाब से एक एक ज़िला हमको डिटेल करना है। तो आज हमको जो है मुंगेली ज़िला पढ़ना है। उसके लिए हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ये कोरबा है, ये रायगढ़, ये जांजगीर चांपा, ये बिलासपुर, ये गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और ये मुंगेली। तो मुंगेली ज़िला जो है हमको चालू करना है, तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं मुंगेली ज़िला को। सबसे पहले ऐसा ड्रॉ कर लीजिए और इस तरह से कुछ, ये हमारा ये बिलासपुर है और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक रोड जो है सिमगा से बिलासपुर आती है और बिलासपुर से रतनपुर होते हुए कटघोरा और कटघोरा से अंबिकापुर की ओर चले जाती है। इस रोड का नंबर है नेशनल हाईवे नंबर 130 और एक रोड बिलासपुर से तखतपुर और तखतपुर से मुंगेली होते हुए पंडरिया, कहाँ जाती है, पंडरिया जाती है और पंडरिया जो है वो कवर्धा ज़िले में है, ठीक है, और सिमगा बड़ौदा बाजार ज़िले में, ये याद रखना है। इसके बाद ये नेशनल हाईवे नंबर 130A है और ये वाली सड़क नेशनल हाईवे नंबर 130, तो 130 से ही 130A जुड़ा है और इसमें तखतपुर और मैंने आपको बताया था बिलासपुर और मुंगेली के बीच में जो बॉर्डर है वो एक नदी है जिसका नाम क्या है, मनियारी नदी। कौन सी नदी, मनियारी नदी, मनियारी नदी बॉर्डर बनाती है। और जैसे ही आप सिमगा से 130 नंबर की सड़क पकड़कर बिलासपुर की ओर चलोगे तो मुंगेली ज़िले का कुछ हिस्सा जो है इससे कवर होता है और इसमें सबसे पहला जो जगह पड़ेगा वो है मदकू द्वीप। क्या पड़ेगा, मदकू द्वीप और यहाँ पर है सरगांव, ठीक है, सरगांव यहाँ है, सारा गांव जांजगीर चांपा में पड़ेगा। तो ये हमारा मदकू द्वीप आया यहाँ पर। मदकू द्वीप जो है ये मनियारी और शिवनाथ नदी के संगम पर है, ठीक है। इधर से कौन सी नदी आ रही है, शिवनाथ नदी, तो ये इसका लोकेशन हो गया। ये शिवनाथ नदी में मनियारी नदी आकर मिल जाती है, तो ये मनियारी नदी जो है ये शिवनाथ नदी में मिल रहा है और यहाँ पर मदकू द्वीप है जहाँ पर मसीही मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है, मसीही मेला लगता है और ये ईसाइयों का तीर्थ स्थल है। देखिए मदकू द्वीप में आपको और क्या याद रखना है, तो और हमको ये याद रखना है कि कलचूरी राजा प्रताप मल के द्वारा यहाँ बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, इसलिए मदकू द्वीप में प्रताप मल के सिक्के प्राप्त हुए हैं, कलचूरी राजा प्रताप मल के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और ये सरगांव है, सरगांव से फिर मरियारी नदी क्रॉस करेंगे और बिलासपुर पहुंच जाएंगे। तो ये बिलासपुर का जब मैप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि सिमगा से हम ये मदकू द्वीप, सरगांव होते हुए फिर बिलासपुर की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद बिलासपुर से तखतपुर होते हुए जब इधर मुंगेली जिला में आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जो जगह पड़ेगा ये है लोरमी। कौन सा जगह पड़ेगा, लोरमी। लोरमी के पास ही मनियारी नदी पे खुड़िया डैम है। कौन सा डैम है, खुड़िया डैम। ये डैम का नाम क्या है, खुड़िया डैम, जो 1924 से 30, इसका बनने का डेट क्या है, 1924 के 30 के बीच में बना था। इसके बाद मुंगेली हमारा जिला मुख्यालय पड़ेगा। मुंगेली के बाद सेमरताल, सेत गंगा और खमरिया पड़ेगा। तो सेमरताल में महाशिवरात्रि का मेला लगता है, सेत गंगा में राम जानकी मंदिर है और खमरिया में IIDC के अधीन जो है औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ चिमनी बना लेंगे, औद्योगिक क्षेत्र है। तो इस तरह से ये रोड भी कवर हो गया। खुड़िया डैम को ही राजीव गांधी डैम कहा जाता है और 1924 से 30 में ये बना था। मुंगेली जो है जिला मुख्यालय है, सेमरताल, महाशिवरात्रि का मेला, सेत गंगा जो है यहाँ पर राम जानकी मंदिर है और खमरिया में इंडस्ट्रियल एरिया है मुंगेली जिला का, ये याद रखना। इसके बाद मुंगेली जिला में बच जाता है वो है अचानक मार अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य, अचानक मार अभ्यारण्य, तो देखते हैं यहाँ पर है अचानक मार अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है, अचानक मार अभ्यारण्य, कुछ बिलासपुर में भी फैला हुआ है अचानक मार, है ना, ऐसे कवर करते हुए। और
अचानक मार अभ्यारण्य जो है इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। कब बना था ये? 1975 में बना था। इसका कोर जोन 552 किलोमीटर स्क्वायर है और इसमें याद रखना है कि ये 2005 में देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व बना। तो कब बना? 2005 में देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व बना। कौन? अचानक मार अभ्यारण्य। इसके बाद 2006 में ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ, पीटी करके लिखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर, और 2009 में टाइगर रिजर्व बन गया। तो इतनी बातें अचानक मार अभ्यारण्य को लेकर याद रखना है कि अचानक मार अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में हुई थी, जिसका क्षेत्रफल 552 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके बाद 2005 में ये बना था बायोस्फीयर रिजर्व। 2005 में इसको क्या बनाया गया? बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया, जो कि देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके बाद 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ और 2009 में टाइगर रिजर्व बन गया। इसके बाद ये अचानक मार अभ्यारण्य जो है, इसको जब 14वां बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है ना, 14वां बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया, तो और एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ उस बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर याद करना है वो आपको देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ अचानक मार अमरकंटक, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। तो सबसे पहले इस पूरे अचानक मार अमरकंटक बोलते हैं, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले का कुछ भाग और मध्य प्रदेश जिले का डिंडोरी, कौन सा जिला? डिंडोरी और अनूपपुर जिले का कुछ भाग सम्मिलित हैं। इस अचानक मार और अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो है, कंबाइंड रूप से अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। तो अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 3836 है ना, याद रखेंगे 3836 मतलब 3836 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके अलावा इसमें से छत्तीसगढ़ में कितना है? तो छत्तीसगढ़ में है 2611 है ना, 2611 किलोमीटर स्क्वायर छत्तीसगढ़ में है, जिसका कोर जोन है 552 या 551 दशमलव कुछ, जिसको जनरली हम 552 किलोमीटर स्क्वायर बोल देते हैं। और इस अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व की बहुत सारी चीज़ें याद करनी है। सबसे पहले तो इसमें प्रजातियों को याद करना है। तो सबसे पहला पॉइंट, 105 प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं, औषधीय पौधे की प्रजाति 105 प्रकार की, 50 प्रकार के स्तनधारी जानवर है ना, स्तनधारी जानवर 50 प्रजातियां, 50 प्रजातियां तितलियों के, इसके अलावा 30 प्रकार के रेप्टाइल्स और 200 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। तो प्रजातियों में हमको क्या क्या याद रखना है कि 105 प्रकार के औषधीय पौधे, 50 प्रकार के स्तनधारी जानवर, 50 प्रकार के तितलियां, 30 प्रजाति रेप्टाइल्स की और 200 प्रजाति पक्षियों की पाई जाती है। तो ये कंप्लीट होता है इस तरह से अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। इस अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व से तीन नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, सोन और जोहिला। कौन कौन सी तीन नदियां? नर्मदा, सोन और जोहिला नदी। इसके अलावा ये जो मनियारी नदी दिख रही है आपको, ये मनियारी नदी का उद्गम स्थल है पेंड्रा लोरमी का पठार सिंहावल सागर में। सिंहावल सागर नामक जगह से निकलती है जो कि पेंड्रा लोरमी के पठार में है। इसके बाद इसकी जो सहायक नदियां हैं, किसकी? मनियारी नदी की। तो उसको देखते हैं, यहां पर बेलपान नामक जगह से छोटी नर्मदा आकर मिलती है। कौन सी नदी? इस नदी का नाम है छोटी नर्मदा, और यहां से घोंघा नदी। तो इस तरफ से बेलपान से जो छोटी नर्मदा और घोंघा नदी आकर इस तरफ से मिलती है, और इस तरफ से आगर, कौन सी नदी? आगर नदी जाकर यहां से मिलती है, और टेशुआ नदी, यहां से टेशुआ नदी। तो छोटी नर्मदा, घोंघा, आगर और टेशुआ नदी जो है मनियारी नदी की सहायक नदी है। तो इस तरह से हमारा मुंगेली जिला कवर हो जाता है। मुंगेली जिले में कौन कौन सी चीज़ें कहां पर है ये याद रखना जरूरी है। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मुंगेली जिला में अचानक मार अभ्यारण्य। तो अभ्यारण्य को लेकर आपको क्या याद रखना है और बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर क्या याद रखना है ये मैंने आपको बता दिया। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बिलासपुर संभाग के नेक्स्ट जिले को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।